नमस्कार, स्वागत। मेरा नाम अनुपम रमेश किंगर है, आप में से काफ़ी मुझे जानते होंगे। आपको कुछ बताना चाहती हूँ इससे पहले कि आप ले देखें। जीवन क्या है, जीवन क्या है, क्या है जीवन? बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। जीवन क्या है, क्या है जीवन? बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। तेरे मेरे इसके उसके सुरों की मिलती लय है। कभी तो शांत नितांत समुद्र सा, और कभी मानो प्रलय है। जीवन क्या है, क्या है जीवन? कहानियों का संग्रह है। बचपन की वो याद पहली, नानी दादी से सुनी कहानियां। कुछ बड़े हुए पढ़ना सीखा तो किताबें फाड़ उछलती कहानियां। ये कर दिया वो ना कर पाए तो खुद बुन बैठे कहानियां। सावन की छत पर भीगती सुलगती कहानियां। मिली डिग्री खोजते नौकरी, एड़ियां रगड़ती कहानियां। घर बच्चे उनके ख्वाब, खुद को भूलती कहानियां। कई बरस गुजरने के बाद पलट कर देखती कहानियां, और कभी कभी तो सूनी आंखें तकती सूनी चौखट, इंतजार में बैठी कहानियां। जीवन क्या है, क्या है जीवन? बस ये कहानियों का संग्रह है, और इन कहानियों को आपसे मिलवाना ये ख्वाबगाह का आग्रह है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी एट ख्वाबगाह are striving to bring stories that are in us and stories that are around us to you in their original flavors, in a way, in a format which is best suited to them, be it theater, be it natak, nautanki, be it poetry, be it song, be it dance drama. Our endeavor is to bring these stories to you, to bring these stories to you, and we assure you that we are going to pursue this goal with the same passion that we have pursued our first presentation, Main Noor Bano. Main Noor Bano is the story of a girl passionately in love with somebody whose life is torn apart, put into turmoil for no fault of hers, and something which she never had any control on. Let me remind you, we are all amateurs. We are pursuing a passion. So please relate to us, accept us. Ladies and gentlemen, I present to you Main Noor Bano. Thank you.
ये तुम मुझको ना खेतों में ना बुलाया करो, सब शक करते हैं। तो कहाँ चलेंगी नूर बेगम जान? बेगम? अच्छा, कौन जागीर के नवाब हैं आप जनाब? नहीं है तो हो जाएंगे ही, बस मुल्क आजाद हो जाने दो। अच्छा जी, आजादी में आप नवाब हो जाएंगे? आपके अब्बा हजूर नवाबों को हटाने की मुहिम करें और आप नवाबी के ख्वाब देखें? भाई बहुत खूब। अरे पगली बेगम मेरी, जब पूरा मुल्क ही अपना होगा तो सभी नवाब होंगे ना? हाँ, ये तो सही फरमाया आपने नवाब साहब। तुम मुझको मिट्टू क्यों नहीं बुलाती? नवाब का क्यों छेड़ती हो सदा? क्योंकि ना तुम धोता कम और कबूतर ज्यादा लगते हो। बेगम साहिबा, आज की जरूरत कबूतर ही है। अब्बा जान के अंदाज में फरमा रहे हैं नवाब साहिब। अरे अब्बा जान से याद आया, वो किसी इल्मी मीटिंग में शिरकत करने लखनऊ जा रहे हैं और चाहते हैं कि हम सब भी साथ जाएं। जिस तरह के हालात है ना, वो अम्मी और बाजी को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते। और तुम मिट्टू, तुम भी जा रहे हो क्या? हाँ, जाना तो पड़ेगा, हुक्म जो है। मगर तुम क्यों मिट्टू? पगली पगली नूरा मेरी, जाने क्यों जी घबराता है? तुम जल्दी लौट आना, लौट आओगे ना? कैसी बातें करती हो, कुछ चार एक दिन की बात है, पलक झपकते यूं बीत जाएंगे। पक्का ना तुम आओगे ना वापस? खाओ इस कबूतर की कसम। अरे मेरी नूरा बानो बेगम, तुम्हारी कसम। बस देखो मेरा दम खुद जाएगा जो तुम ना आए तो। आ जाना, अच्छा, वरना मुझको जीता ना पाओगे, बता रही हूँ। हाँ मेरी जान की कसम जान, पक्का आऊंगा। बड़बड़ाए दो कदम नहीं चल सकते? बोलो क्या है? ये देखो खत। हाँ तो? तुम्हारी आपी के नाम। खत? नूर आपी के नाम?
उनको कौन कौन लिखने लगा? वही तो। अरे बेगम, 23 साल हो गए हैं उनको उस कमरे के बाहर की दुनिया देखे। इनको हाथ आना हैरत की बात नहीं है क्या? सच कहूं, जो हाथ बात ना उठे तुम्हारा, मुझे तो कई बार शक होता है। नौटंकी है ये सब, बहाने खटियां तोड़ने की और सारे काम मुझसे करवाने की। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई काम ना करने के लिए 23 साल कमरे में गुजार देता है भला? तुम जानो, मैंने तो आगाह कर दिया, मेरी सुनने का तो रिवाज ही नहीं है यार। बड़बड़ाए बगैर सांस नहीं आती तुमको? खैर, हम क्यों बहस में पड़े? अम्मी को खत देकर फारिग हो जाए। जाओ, तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर से गिला करोगी। हो लिए हम फारिग। अम्मी, 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 ये लो। क्या है? खत है। खत? किसका? आपकी लाडली के नाम। खत? उस पगली को भला कौन लिखेगा खत? आपको मजाक लग रहा है? ये सब बकायदा खत है आपकी शहजादी के नाम, और वो भी सरहद पार से। क्या बात कर रहे हो मिया? हाँ तो तुम्हें क्या लगा मस्खरी कर रहा हूं मैं? ना ना, हरगिज नहीं, मेरी जुबान में कीड़े पड़े। मैं तो यूं बोल रही थी कि मिया, जो खुद को ही भूल गई हो उसको भला कौन याद करेगा? वो सब तुम जानो। पर मिया, यूं तो बताओ कि है किसका? वही मिट्ठू जी, अपने खान साहब के साहबजादे, जो नहीं दंगों में नखलों चल दिए थे। लोग बाग यहाँ आ रहे थे और वो जनाब उल्टी चनाब भा रहे थे। वो अपने बरगद की कोठी वाले सकीना के अब्बा, उनका बेटा इतने अरसे बाद क्यों याद करेगा? पर फिर क्या मालूम, था तो जहीन पर यकायक क्या लिखा है? हाँ अम्मी, मैं भला क्यों पढ़ने लगा? वैसे उम्र हो चली है तुम्हारी, वरना ऐसे ख्वाब भरे उजाले देखती क्या? तुम ख्याल नहीं रख सकती फिर की बार खुला छोड़ाई। इतने सालों में ये दूसरी बार बाहर
पहली बार जब अब्बू का जनाजा ले जा रहे थे और आज उस रोज उनकी कुर्सी कमरे में लिख गई थी। आज क्या हुआ, कैसे आए, कहीं तुम अभी इसके लिए ख्वाब देख रही हो? अम्मी कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम? उम्मीद की दुनिया में मिया, उम्मीद की दुनिया में कोख जने को भुला सकता है भला क्या कोई, मगर ये सब इस घर में ना होगा, अभी से बताई दे रहा हूं। बस यूं भी मैं अकेला कमाने वाला और भरने को मुंह साथ, बड़ी मुश्किल से तो महीना गुजरता है, बस एक इज्जत ही है ले देकर, वो भी जाती रही तो हो चुका मेरी बच्चियों का निकाह। मिया तुम बात को खाम खा बढ़ा रहे हो, ऐसे तो न दलील करो। तुम्हारे अब्बा महरूम जायदाद छोड़कर गए थे, अब तुम भाइयों से ना संभली तो हम क्या करें? हाँ हाँ मर्दों मेरे सिर सारी रंजिश, और जो तुम और वो इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो, भाई के साथ नहीं, उसका क्या? हाँ तो कैसे रहते, शहर में दो हाथ का मकान और रहने वाले छह जान, हम भी चले जाते तो कहाँ रहते, बोलो कहाँ रहते? सीढ़ी के नीचे। और इस बेचारी का क्या करती, माँ हूं औलाद की बदनामी कैसे बर्दाश्त करूं? याद नहीं तुमको उस हादसे के बाद कैसी बेकाबू सी हो चली थी, ऐसे बड़बड़ाना चीखना चिल्लाना, खुद गुनहगार निकाह से मुकर गए थे मौलवी के आगे। क्या भूल सकती हूँ भला वो खौफनाक मंजर, फिर सन्नाटा, एकदम खामोश, मुर्दा हो जैसे। भाई के भी तो बेटियां हैं, निकाह कराने हैं। और मेरे ना जेब में दाने ना कंधे पे गमछा, हो चुका मेरे खानदान का भला। मिया तुम बात को खाम खा बढ़ा रहे हो, खत है, गलती से आ गया होगा, लाओ चूल्हे के सुपुर्द कराए। बात इस खत की ना है अम्मी, मेरी बला से रखो यार फेंको, मुझे तो बस ये सोच खाई जा रही है कि खत आया क्या कहां से, और कहीं हमारी नजरों से छुपकर कुछ चल तो नहीं रहा है। लाहौल विलाकुवत, बस यही इल्जाम सुनने को रह गया था। अगर जरा भी होश में होती तो निकाह ना कबूल कर लेती नसीब हमारी, कभी कुछ ना बकती, कभी तो कुछ आम लोगों जैसा करती, कहती कुछ मांगती, कोई ख्वाहिश कोई
फरमाइश, कोई दुआ, कोई सलाम, और मिया तुम यूं ही। अरे मेरा मतलब वो नहीं था अम्मी। अब निकाह देते तो बेहतर होता। खैर अब तो ठीक है। लो ये लो खत, मगर आइंदा से उसको खबरदार कर देना। अबू आप अब तक तैयार नहीं हुए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, सिनेमा छूट जाएगा। हाँ हाँ बस, इस खत ने तो दिमाग खराब कर दिया है। हाँ बिना अबू बहुत सीधे हैं, दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दीजिए। फाड़ दिया तो आपका क्या, और अगर कहीं इससे हरकतों में बदलाव आया तो साफ हो जाएगा अम्मी का शक सही है या नहीं। अरे वाह बच्चे, तुम तो बड़ी उस्ताद निकली। लेकिन बच्चा क्या हाथ में देना बेहतर ना होगा। मजाक ना करें अब्बू, लाइन मुझे दे, आप हद की नानी। चले ना अब्बू, सिनेमा छूट जाएगा, जल्दी चले। पूछने के लिए खत नहीं लिख रहा हूं, रूह पे एक पत्थर लिए फिरता हूं, तुमसे बता लूं, माफी मांग लूं, तो अल्लाह के दरबार पे जा पाऊं। माफी किस बात की? हाँ इंतजार तो बहुत कराया आपने मिठू जी, मगर आपकी भी कोई मजबूरी ही रही होगी ना। हो सके तो मेरी बेबसी समझना, तुमसे जुदाई नसीबों का फेर है। कोई मेरा नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई नहीं, अब तो जुदाई खत्म, आने बताने को ही खत लिखा है ना। उस रोज आखिरी बार तुमसे मिलके जब घर पहुंचा तो देखा जोरों से सामान बांधा जा रहा है, मैं भी शरीक हो गया। हौले से बाजी से पूछा क्या माजरा है, बोली पता नहीं, बस अब्बा ने कहा है ज्यादा से ज्यादा सामान बांध लो जितना ले सको। मैं कुछ परेशान हो गया, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और ये खबर इतनी रात गए तुम तक पहुंचाता कैसे। कई मर्तबा गया भी उनके कमरे में, मगर पूछने की हिम्मत ना हुई अब्बा से। रात की गाड़ी से निकलना था और अम्मी ताबड़तोड़ सामान बांध रही थी, आनन फानन में खाना खाया और बस रवानगी का वक्त हो चला था। बब्बन को बुला के चाबियां थमाई, टांगा बुलवाया, सामान रखवाया, चल दिए। सारा वक्त सोचता रहा मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। रेलगाड़ी में भी अब्बा खामोशी थे, गई रात जब रहा ना गया तो मैंने पूछ ही लिया, भाई क्या मसला है। बोले पार्टी ने
बंटवारे को राजीनामा दे दिया और ये कहकर टूट कर बिलखने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ संभला कर बतलाने लगे कि आज पार्टी ने बंटवारे को कबूल कर लिया है और जब अब्बा ने एतराज किया किसी ने उनका साथ न दिया। 20 साल की खिदमत को पार्टी ने बुला दिया। बंटवारे के सख्त खिलाफ थे अब्बा तो उन्होंने वहीं पार्टी दफ्तर में ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे और तब तक जब तक मुल्क एक ना हो जाए। मैं इस सदमे को झेल ना पाया। कैसे यकीन करता कि अपना घर, अपना पिंड, अपनी नूरा हमेशा के लिए छूट गए। उनके उसूलों को कुर्बानी दरकार, पर हमारी क्यों? हाँ, ऐसा कुछ सुना तो था मैंने, पर मैंने नहीं माना। कैसे मान लेती भला? वादा जो किया था तुमने। अब्बा कुछ कह रहे थे मगर कुछ सुनाई ना दिया। इसी बदहवासी में लखनऊ पहुंच गए। खैर, हालात तो वहां भी नाजुक ही थे। मामा मुमानी के घर रहे, उनने खिदमत वगैरह तो खैर की। अगले रोज अब्बा हुजूर पार्टी मीटिंग में गए मगर लौट कर ना आए। आजादी के रोज उनको दफनाया गया। बौखला गया था मैं बिल्कुल। रहम। और फिर मामा के मशवरे पे अम्मी ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। खैर, इतने दंगों के रहते सफर भी कहां कर पाते। ऐसे डरते सहमते काम की तलाश में 3 साल गुजर गए। नूरा, मामा ने मकान दिला दिया था सरकार की तरफ से और अम्मी अम्मी बस दिन गिन रही थी। आप ही के निकाह पे सांस अटकी थी उनकी। और फिर एक रिश्ता आया वारों फेरी से। सब कुछ मुनासिब, बस वारों फेरी। मुझे दूल्हे भाई की बहन से निकाह करना होगा और तभी वो आप ही का रिश्ता कबूल करेंगे। मैं क्या करता नूरा, किसको क्या बतलाता? वहां कब आना होगा अल्लाह जाने। बस चुपचाप कबूल कर लिया। कबूल कर लिया? क्या मतलब कबूल कर लिया? कबूल कर लिया? मेरा रत्ती भर भी ख्याल लाए कबूल कर लिया? देखो, आप ही के आने से मानो अम्मी जी उठी और आप ही भी खुश है ससुराल में। दो प्यारी सी बच्चियां और एक शैतान प्यारा सा गुड्डा। हमने इस अजनबी शहर में आशियाना बना लिया होगा और मुझको भुला दिया इतनी आसानी से। Oh,
खुश हूं कि नहीं कह नहीं सकता। और देखो तो कोई चारा भी ना था। हाँ सही फरमाया आपने, कहा था चारा, नूरा क्या है, जिंदा हो मर गई हो बला से क्या फर्क पड़ता है। पापी का घर बस गया, मेरा भी शायद। जहीना हसीन है, जहीन भी, पर नूरा नहीं। मगर कब तक करता शिकायत, नसीबों को मुस्तकबिल भी मान लिया और ख्वाहिशों को दफना दिया। बाहर से तो सबको खुश ही दिखता हूं, तीन तीन बेटों का बाप, नाम रुतबा शोहरत। उस रोज अपनी वो पुरानी किताब से वो खेतों वाली तस्वीर निकल आई, यादों के दरिया में मानो बहसा गया। पिंड की तुम्हारी जी किया दौड़ा चला, मगर आऊं कैसे, यहां कोई उंगली उठा ले तो। बहुत सही किया आपने, उंगली उठने के डर से एक जिंदगी को दफना दिया। खैर मेरी छोड़ो, मजबूरियां जंजीर बनी पैर बांध देती हैं। तुम कहो कैसी हो, खुश हो ना, निकाह कर लिया? आपकी यादों से, आपकी बेवफाई से, आपकी बेमुरव्वती से। अरे बेवकूफ हूं मैं भी, इतनी नूरानी नूरा से भला कौन ना कहेगा। तुम्हारे अब्बू ने सही किया जो वहीं रह गए पिंड में, हम तो खाना बदोश हो गए हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, अब भी सब कुछ बेगाना सा लगता है। खैर खत का जवाब जरूर देना, हो सके तो फोन कर लेना, नंबर लिखा है। खुदा हाफिज, तुम्हारा मिट्टू। निभाई है तुमने मिट्टू मियां, क्या मोहब्बत निभाई है। आज 23 साल से मैं इस कैद में तुम्हारी राह देख रही हूं और तुम एक दो पन्ने का खत भेजकर सुर्खरू होना चाहते हो। ये दो पन्ने का खत, तुम्हारे वादे को निभाते निभाते मैं बूढ़ी हो गई, तुम्हारे ख्याल से निकाह कर लिया, खुद पागलपन का कफन ओढ़ लिया कि कहीं भूले से भी कोई
निकाह के बारे में ना सोच ले। तुम मोहब्बत का दम भरते हो, तुम क्या जानते हो तुम क्या क्या हुआ? वो दरिंदे मेरा जिस्म चीरते रहे, हाँ हाँ यही अपने पिंड में खेतों में जहाँ तुम और मैं मिला करते थे, मैं रोज वहां जाती तुम्हारी राह तक थी, घंटों और उनको लगा मुर्गी हाथ आ गई, नोच डालो। 3 घंटे तक मैं चीखती रही और वो मुझे लूटते रहे। बेकौफ, जानते हो? देखो, 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 देखो ये रुमाल, देखो ये रुमाल जो मेरे मुंह में डाल दिया था। रातों को सो नहीं पाई थी मैं, लगता था फिर आ जाएंगे। रातों की नींद उड़ गई थी मेरी, लगता था फिर आ जाएंगे। और जानते हो क्या हुआ? मौलवी साहब ने फरमान निकाला कि कोई एक मुझसे निकाह कर ले, कोई भी जो जी जाए। सब मान गए, अब्बू भी किया था आओगे, सो खुद ही पागलपन का स्वांग रचा। कभी खूब चिल्लाई, कभी सन्नाटा और खुद को इस कोठरी में कर लिया। आज 23 साल से न बरसात में भीगी, न जाड़ों में खेली, भाई भाभी के ताने, अम्मी की परेशानी, आस पड़ोस के कह के सब सह गई। और तुम्हारी दीवी फुलकारी को लेकर मरती रही हर लम्हा तुम्हारे इंतजार में। तुमसे एक बार भी आते ना बना, 23 साल के इंतजार का ये सिला, ये 2 पन्ने खत और फोन कर लू किसको, किस हक से, क्या कहने के लिए तुम्हारे निकाह की मुबारकबाद देने के लिए, या तुम्हारे बच्चों की सलामती पूछने के लिए? किस इज्जत की बात करते हो तुम मिट्टू जी, किस इज्जत की?
वो जो तुमने कमाई या वो जो मैंने कमा दी सारी की सारी जिंदगी? लूट ले गए तुम, लूट ले गए तुम मिठू मिया, लूट ले गए। मेरा मेरा तो शायद अब यही ठीक होगा कि मैं इस कोठरी में बाकी के दिन यूं ही गुजार दूं, इस कोठरी में। मुझसे तो इंतजार की भी उम्मीद छीन ली तुमने मिठू जी, छीन ली तुमने इंतजार की भी उम्मीद, छीन ली। दिन से याद आया, आज कौन सा दिन है? तारीख मिठू जी, तभी तो तुमको कबूतर नहीं कहती। मिठू जी जल्दी आना, मुझे मुझे डर लगता है, जल्दी आना। हाँ मैं अकेली हूँ, डर लगता है। मिठू जी, मिठू जी देखो 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 फिर आ रहा है। मिठू जी रोको उनको, रोको, मुझे डर लगता है, मुझे डर। रोको। मैं सच में पागल हूं, पागल कहीं का। मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। मिठू जी आ जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। मिठू जी आना। हाँ मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। Cool.
जो हर शब मेरे पास से गुजरता है, नजरों को नजर नहीं आता, एहसास सा महकता है। बहुत ऊंची हैं दीवारें, मुझ तक पहुंच नहीं सकता है, लेकिन आज़ादी का वादा लिए मेरी राह वो तकता है। तुम आ ना जाओ इसी डर से, मैं उसके साथ नहीं जाती, मौत का फरिश्ता तो कब से मेरे इंतजार में ठहरा है, मेरे इंतजार में ठहरा है, मेरे इंतजार में ठहरा है। कोई एक साया है जो हर शब मेरे पास। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नूर बानो। सर थोड़ा जनरल स्टेज लाइट देंगे? Thank you very much to all of you for coming, for being such a wonderful, receptive audience. But before I invite you to partake in some refreshments, there are certain thank yous to be made. There are certain people who have been working on this simple, small project for months. I would like you to please greet them with your applause. We start with the young Mittuji and the young Noor Bano, played by Khwab Gaah and Sejal.
Noor Bano's Bhaijaan and Bhavijaan, played by Karthike and Nisha Ranga. Noor Bano's loving mother and niece, played by Monica Ravi and Madhu Sarda. Noor Bano's niece and nephew, played by Sumedha and Krishiv. And finally, ladies and gentlemen, Noor Bano and Mithuji, played by Ishita Khanna and Vikas Katyar. A few other people who helped me relentlessly. Junuta Jamshed, who did all my dress designing. Maitrey Harish, tirelessly clicking pictures for us. Even now, Chirodeep and Jojo doing the music for us. Sorry, Saptarishi. I'm sorry. Ladies and gentlemen, Team Noor Bano is incomplete if I don't thank one special person, and please bear with me. This person is a rock. He supports me all through with all my eccentricities. Thank you, Kinger Sahab.